देखिए डिक्लेरेशन और एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डेटा टाइप, फिर उसके बाद एरे नेम और ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देंगे, एरे साइज देंगे। ठीक है, जो भी साइज हम लोग को देना है वो इंटीजर वैल्यू में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ जैसे इंट मार्क्स और साइज है 5, तो कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे। ठीक है, कैसे हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड होते हैं इनिशियलाइज करने के। ठीक है, सबसे पहला मेथड कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, अब इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, मार्क्स ऑफ 0 = 80। ठीक है, 0 क्या है, इंडेक्स। ठीक है, जब भी कोई एरे बनता है, ठीक है, तो इस प्रकार का एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है, सभी का एक इंडेक्स होगा, सभी का इंडेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4 क्या है, इंडेक्स। इसी इंडेक्स से ही हम लोग इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू से। ठीक है, तो इनिशियलाइज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0 = 80। तो ये 80 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, मार्क्स ऑफ 0 में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स ऑफ 1 = 60, तो 60 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर मार्क्स ऑफ 2 = 70, तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्क्स ऑफ 3 = 85, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्क्स ऑफ 4 = 75, तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो साइज हम लोग कितना दिए थे, 5 दिए थे, 5 एलिमेंट्स हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आया समझ में, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे ले लिया, मैं सीधा मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक i नाम का वेरिएबल ले लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ एक एरे डिक्लेयर किया है इन मार्क्स ऑफ साइज 5। ठीक है, साइज कितना है, 5। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इनिशियलाइज कर ले। ठीक है, मार्क्स इक्वल टू 0, सॉरी मार्क्स ऑफ 0 = 80, मार्क्स ऑफ 1 = 60, मार्क्स ऑफ 2 = 70, मार्क्स ऑफ 3 = 85, मार्क्स ऑफ 4 = 75। ठीक है, हमारा एरे जो है वो डिफाइन हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, अब इसको ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करना मतलब एक्सेस करना है, जितने एलिमेंट्स है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर लूप से। ठीक है, दुनिया में इस एरे को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका है अवेलेबल, ठीक है, कौन सा, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप से ही हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां से कहां तक जाएंगे, हम लोग का इंडेक्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पे i = 0 से स्टार्ट करेंगे लूप को। ठीक है, और कहां तक ले जाएंगे, <5 तक ले जाएंगे, लेस देन 5 मतलब 4 तक। ठीक है, और कितना स्टेप चल रहा है, i++ मतलब सिंगल स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो एक बार 0 के लिए चलेगा, 0 को एक्सेस करेगा, एक बार 1 के लिए चलेगा, 1 को एक्सेस करेगा, एक बार 2 के लिए चलेगा, 2 को एक्सेस करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं %d/n मार्क्स ऑफ i। क्या प्रिंट कर रहे हैं, मार्क्स ऑफ i, i की जो भी वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब मार्क्स में पास करेगा i की वैल्यू, जैसे कि i की वैल्यू 0 है तो मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 0 में क्या प्रिंट करेगा, 80 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 1 में क्या है, 60 है। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी मार्क्स ऑफ 2। ठीक है, क्या एक्सेस करेगा, 70 एक्सेस करेगा। ठीक है, फिर उससे मार्क्स ऑफ 3, ठीक है, 85 एक्सेस करेगा। फिर उसके बाद मार्क्स ऑफ 4, क्या एक्सेस किया, 75। आया समझ में,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल ऑफ एरे। क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सल ऑफ एरे, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, इसको भी नोट करो जल्दी से। हम लोग इस एरे को जब डिक्लेयर करते हैं उसी समय इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने लिखा इंट मार्क्स ऑफ साइज 5, ठीक है, हमने अलग अलग दिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही स्टोर होगा जैसे यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से स्टोर कर रहे थे, ठीक है, आए समझ में? ठीक है, अगर हम लोग को साइज नहीं देना है, ठीक है, साइज नहीं देना है तो हम लोग यहाँ ब्लैंक भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपाइलर में सपोर्ट करता है, कुछ कुछ में नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो साइज देना यहाँ कंपलसरी है, ठीक है, साइज देना कंपलसरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स इसके दे सकते हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग उसके साइज में डिफाइन करेंगे उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे देना है। अगर एक्स्ट्रा दे दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर साइज 5 दिए तो 5 ही एलिमेंट उसमें डालना है, 6th एलिमेंट डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहां हम लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेमोरी में स्टोर होगा ही नहीं क्योंकि मेमोरी नहीं है उसके लिए, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस मेन में आ जाते हैं, ठीक है, मेन में आ जाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग ने ले लिया i, जो हम लोग लूप में यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे को डिक्लेयर किया सबसे पहले, ठीक है, और वहीं पे इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है, इंट मार्क्स ऑफ साइज 5, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दिया, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। अब ट्रैवर्स इसको करेंगे जैसा हम लोग लास्ट प्रोग्राम में ट्रैवर्स किए थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं %d/n और मार्क्स ऑफ आई, ठीक है, समझ में आ गया? बस चेंजेस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे चेंजेस हुआ, ठीक है। हम लोग डिक्लेयर करते समय उसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को अलग से 5 लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, एक ही लाइन में काम हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही इनिशियलाइज करेगा जैसे पहले हो रहा, ठीक है, आया समझ में? ये सारे प्रोग्राम नोट्स में भी अवेलेबल होंगे, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है, लिखना होगा तो लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर स्क्रीन हमने कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रैवर्स करते हैं। कैसे ट्रैवर्स करेंगे, कैसे करेंगे? फॉर लूप से। तो हम लोग लगाएंगे फॉर, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, लूप को कहां से स्टार्ट करना है, बिना देखे बताओ, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंटर, ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखेंगे %d/n और कॉमा मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है, फिर उस वक्त करते हैं कंपाइल, एक एरर आ गया,
सेमी कॉलन लगा लेते हैं, इसको वापस करते हैं, सेव कंपाइल और रन। देखो हो गया एक्सेस, हुआ कि नहीं हुआ? इसको और अच्छे से देखना है तो और अच्छे से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स ऑफ परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके हम लोग लिखेंगे आई कॉमा मार्क्स, ठीक है। तो आई की वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होगी? ये वाले परसेंट डी में, और ये वाले परसेंट डी में मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। सो सेव करते हैं, कंपाइल कर देते हैं और रन कर देते हैं, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, अब दिख रहा है अरे, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ जीरो में क्या है? 10 है, मार्क्स ऑफ 1 में 20 है, मार्क्स ऑफ 2 में 30 है, मार्क्स ऑफ 3 में 40 है, मार्क्स ऑफ 4 में 50 है। आया समझ में? ठीक है, ये हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है, रुक जाओ बाद में लिखना, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है, सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग रन टाइम पे इनपुट लेंगे। क्या करेंगे? रन टाइम पे इनपुट लेंगे। रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्कैनर, ठीक है। तो जैसा हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है? इनिशियलाइज किया। कैसे इनिशियलाइज किया है? डायरेक्टली हम लोग वैल्यू दे दिए हैं। जब रन टाइम पे इनपुट देंगे तो वहां वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, उस समय इनपुट करना पड़ेगा। तो उस समय भी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? इस एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। कैसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा? फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैं लगाता हूं यहाँ पे, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले प्रिंट है, ठीक है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप कहां से कहां तक चलेगा? i इक्वल टू जीरो, फिर उसके बाद i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है, सेम लूप चलेगा। बस यहाँ प्रिंटर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंटर लिखेंगे, ठीक है, सॉरी स्कैनर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर मार्क्स ऑफ परसेंट डी, और कॉमा देखिए यहाँ क्या लिखूंगा? आई, ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे? स्कैनएफ लगाएंगे, ठीक है। स्कैनएफ हमने लगाया और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? परसेंट डी एम परसेंट आई मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ क्या पास होगा? मार्क्स ऑफ आई, और वहां पे हम लोग इनपुट डाल पाएंगे, ठीक है। जैसा वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे वैसे ही यहाँ पे हम लोग एरे को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि हम लोग इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे डायरेक्ट एक्सेस करते थे, ठीक है। आया समझ में? तो इसको एक बार हम लोग सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है, मार्क्स ऑफ जीरो आया, ठीक है। लूप की वैल्यू अभी जीरो है, ठीक है, लूप की वैल्यू जीरो है। मैं यहां पे डालता हूं 50, ठीक है, एंटर दबाया। अब मार्क्स ऑफ वन पूछ रहा है। अब आई की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, मैं डालता हूं 100, ठीक है। मार्क्स ऑफ 2, आई की वैल्यू क्या है? 2 है, मैं यहां डालता हूं 150, ठीक है। मार्क्स ऑफ 3, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? 3 है, मैं यहां डाल रहा हूं 200, ठीक है। मार्क्स ऑफ 4, मैं यहां पे डालता हूं 250, ठीक है। तो देखो प्रिंट किया, ठीक है, यहां तक हम लोग इनपुट दिए और यहाँ पे हम लोग को एक्सेस करके वो दिखा दिया, ठीक है। आया समझ में? इसको अगर और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे एक प्रिंटर और लगा लेते हैं हम लोग,
तो हम लोग को पता चलेगा ठीक है इनपुटेड एलिमेंट्स ऑफ एरे इज ठीक है ऐसा हम लोग यहाँ पे दे देंगे स्लैश एन ठीक है सो करते हैं कंपाइल और कर देते हैं रन ठीक है मार्क्स ऑफ जीरो क्या डालू मान लो मैं 10 डालता हूँ ठीक है मार्क्स ऑफ वन 20 मार्क्स ऑफ थ्री सॉरी 2 30 मार्क्स ऑफ 3 40 मार्क्स ऑफ 4 50 ठीक है आया मार्क्स ऑफ जीरो वहां दिखा रहा है 10 मार्क्स ऑफ वन 20 क्या लिखा गया यहाँ मार्क्स एन लिखा है क्या नहीं यहाँ तो अच्छा दिख रहा है वो कट गया ठीक है थोड़ा अलाइनमेंट उसका सही नहीं है ठीक है समझ में आ गया कैसे हम लोग इसको रन टाइम पे इनपुट दे सकते हैं और हम लोग उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं ठीक है दोनों ही हम लोग यहाँ पे फॉर लूप से किए ठीक है दोनों कैसे किए हम लोग फॉर लूप से किए ठीक है ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है ठीक है इसको अच्छे से नोट करो और इसको रन करके देखना है कोई भी मेथड से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ज्यादा इसलिए यही होता है क्या करूं सेलेक्ट कर दूं Thank you.